Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. प्रश्न ये है कि हम सब साधक लोग हैं, अपने कषायों की स्थितियों को घटाने में लगातार पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा सिस्टम बता दो महाराज साहब कि इसी जिंदगी में हम सारे कषायों से इस चक्रव्यूह में ना फंसे, ऐसा कुछ हो जाए, है ना। ये आपका प्रश्न है, बहुत अच्छी भावना है ये आपकी कि इसी जिंदगी में हम कषायों से प्रूफ हो जाए कि हमको कोई कषाय छू ना पाए। पर कषाय से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इस बात पे ध्यान देना। कषायों से मुक्ति पाने की जिसकी भावना है, उसको कषायों का कारण क्या है उसको समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या है विषय? नहीं, स्वभाव नहीं। बराबर, एग्जैक्टली सही उत्तर दिया। इसका मतलब आपका स्वाध्याय सही चल रहा है। हमारी समझ गलत हो जाती है इसलिए कषाय पैदा होते हैं। कषायों का मूल कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व है तो कषाय होंगे, मिथ्यात्व नहीं है तो कितने भी कषाय हो, पूर्व में कैसे भी हमारे भीतर के संस्कार रहे हो, धीरे धीरे वे सारे संस्कार बदल जाएंगे समझ बदल गई तो। और मिथ्यात्व का मतलब समझ की अशुद्धि, समझ का ही मिथ्या होना, समझ का ही विकृत होना। समझ विकृत है इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आपको जिंदगी में कोई भी घटना घटती है, अगर आप उस घटना को घटाने में संबंधित जो भी भूत है, जो भी प्राणी है, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी समवाय है, अगर हम उस समवाय को दोष देते हैं तो हम मिथ्यात्वी है। एग्जाम्पल, आपके पार्टनर ने चूना लगा दिया आपको, इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा था, लॉस में गया, अब क्या होने वाला आपके साथ? पार्टनर को दोषी मानोगे? दिखती बात है उसका दोष है, आपका तो कोई दोष ही नहीं था, आप तो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे थे। आप अपने किसी भी तरह के प्रस्ताव शर्त उससे बिल्कुल भी हटे नहीं थे, लकीर से आप नहीं हटे, लेकिन वो सारी लकीरों से हट गया था। उन्हें जो बोला वैसा नहीं किया, आपने जो बोला वैसा किया, और उसने धोखा तो दिया आपको। अब सामान्य समझ से तो बिल्कुल सही है कि उसने धोखा दिया, आपने धोखा खाया, और अब आप या तो कोर्ट केस करोगे, पर्सनल सारा गुस्सा निकालोगे, उसके घर बैठ करके लड़ाई झगड़ा बड़ा फसाद खड़ा करोगे, आसपास के लोगों को इकट्ठे करके अपने प्रति न्याय मांगोगे, पंचायती करोगे, मतलब पंचायत इकट्ठी करोगे, है ना। और छोड़ दो, बनता नहीं, पैसा सारा गया, श्रम सारा गया, समय सारा गया, क्या करोगे? क्या अगर निमित्त को दोष मानते हो तो मिथ्यात्व है। इतनी गहरे धक्के लगने पर भी आप धक्का ना खाओ, धोखा ना खाओ, आप अपनी समझ में जागृत रहो कि ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ही जग के नहीं चल पाया, मेरे जिंदगी में यही पार्टनर क्यों आया, मैंने सही चुनाव क्यों नहीं कर पाया, मेरी दृष्टि में कहां लालच रहा, कहां प्रमाद रहा, अपना निरीक्षण किया, अपने प्रमाद का निरीक्षण किया, गलत चुनाव क्यों हुआ इस बात का निरीक्षण किया, और फिर जो कुछ हुआ उस व्यक्ति को बड़े प्यार से समझाया, पार्टनर को प्यार से समझाया, विवेक सम्मत भाषा में समझाया, सही तरीके से कहा, प्रेरणा भी थी, लेकिन इतना कुछ करते हुए मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना और द्वेष नहीं पनपी तो आपकी समझ सही है, तो कषाय भी नहीं आया। दुर्भावना नहीं आई यानी कषाय नहीं आया। कब नहीं आया दुर्भावना? जब आपकी समझ सही थी कि मेरे प्रमाद ने कहीं गलत व्यक्ति का चुनाव किया, और अगर यह व्यक्ति मेरी जिंदगी में इस रूप में आया है तो इसका मतलब कुछ मेरा ऋणानुबंध बकाया बाकी था, वो पूरा निपटा, प्रणाम धन्यवाद गया।
जहां से यात्रा शुरू करी थी वापस वहीं पे लौट गया, कोई बात नहीं। 3 साल मेहनत करके आपने अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया और वापस उसी जीरो पॉइंट पे खड़े हो आज, हाथ में कुछ नहीं है और आप कषाय नहीं करना चाहते। तभी संभव है जब आपके अंदर समझ शुद्ध हो तो कषाय नहीं करोगे, समझ शुद्ध नहीं है तो कषाय करोगे। तो समझ की शुद्धि लाना, कषायों को जीतने के लिए कषायों पे काम करने की जरूरत नहीं है, मिथ्यात्व पे काम करो। रोग तो वो है, रोग की जड़ तो मिथ्यात्व है। आध्यात्मिक दोष या अध्यात्म की अनुपस्थिति का नाम ही मिथ्यात्व है। अध्यात्म की अनुपस्थिति का नाम ही मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व की 4 संतान है, क्रोध, मान, माया और लोभ। और फिर लोभ के अंदर विषय, विषयों के प्रति मोह, रति, अरति, ये सब आ गया। मुख्य चीज थी मिथ्यात्व, इसकी शुद्धि करना, तत्व को जानना। फिर जो कुछ घटित हुआ उसमें काल को दोष मत देना, समय को दोष मत देना, स्थान को दोष मत देना, लोगों की नजर को दोष मत देना, पार्टनर की नियत को दोष मत देना। एक ही बात कहना, सब निर्दोष है, मेरा कोई बकाया था पूरा हुआ, मेरा प्रमाद रहा कि मैं देख नहीं पाया और अब मैं अपने प्रमाद का प्रतिक्रमण करता हूं। अपने प्रमाद की आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, अगर ऐसा कर पाए और लगातार जिंदगी की हर घटना के साथ अपना अभ्यास जारी रहा तो हर घटना जो घटेगी वो केवल निर्जरा होगी, नया बंधन नहीं बंधेगा। और घटनाएं खुद ब खुद घटती है, घटाना नहीं पड़ता। स्वयं समवाय पैदा होते हैं, निमित्त आते हैं, बादल आते हैं, बारिश करके चले जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। जमीन में अगर गंदगी हो तो बाहर कीचड़ फैल जाता है और जमीन में अंदर अगर फूलों के बीज हो तो बाहर फूल खिल जाते हैं। तो भीतर में फूलों के बीजों को रखना, बाकी तो जो भी निमित्त रूपी बादल आएंगे वो फूल खिलाने वाले बने, गंदगी फैलाने वाले ना बने। तो एक स्थिति आ जाएगी कि आप अपनी लाइफ को इस भांति जियोगे कि आप खुद फील करोगे कि मैं हर घटना के साथ डेवलप हो रहा हूँ, यानी तिर रहा हूँ, खुद को तिरता हुआ महसूस करोगे। जब घटनाएं घटती है और चित्त को जागृत करके आगे बढ़ जाते हो, आप संबुद्ध होते हो, आगे बढ़ जाते हो और पुराने प्रभावों को पकड़ के नहीं बैठे हो, तो आप मुक्त ही हो रहे हो। और ये मुक्ति क्षण क्षण होती है। इसलिए विराट गुरु जी कहते थे कि हर घटित घटना में संबंधित सर्वभूत जो निर्जरा के निमित्त मात्र है उन्हें दोषी कदापि न मानो। और समतम प्रार्थना के 21 बोलों में उन्होंने ये बोल दिया कि हर व्यक्ति रोज सुबह अपनी प्रार्थना में ये भावना भावे कि हर घटित घटना से संबंधित सर्वभूत जो निर्जरा के निमित्त मात्र है मैं उन्हें कदापि दोषी न मानूं, ऐसी प्रार्थना रोज करो। और पांचों देह सहित मेरी विभाव आत्मा का हर संचय, पांचों देह सहित, पांच देह ना, औदारिक, व्यक्रिय, आहारक, तेजस, कर्मण, पांचों देह सहित मेरी विभाव आत्मा का हर संचय इस सृष्टि का ऋण मात्र है, इसे चुकाने के भाव से कभी मुकरना ना हो। ये प्रार्थना है। विराट गुरु जी सब साधकों को समकित होने की प्रेरणा देते थे, उसके 21 बोल उन्होंने लिखे और ये प्रार्थना रोज बोलने के कहा। ये इस तरह से खुद को टकोरो कि मेरी जिंदगी में जो भी होता है वो सृष्टि का ऋण है, जो भी मैंने लिया है वो चुकाना है, हंसते हंसते चुका दो। जब ये अवस्था अंदर आने लग जाएगी तो आप कषायों से मुक्त हो जाओगे। तो आपका प्रश्न है कि कषायों से मुक्ति कैसे सतत रहे, हम कषायों से अप्रभावित कैसे रह सकते हैं। समझ की शुद्धि साधते जाना, कषाय खुद ब खुद हटते जाएंगे। कषाय यानी मलिन परिणाम, मलिन विचार, तनाव युक्त चित्त अवस्था। कषाय मतलब तनाव युक्त चित्त अवस्था। और तनाव कब हटेगा? जब समझ सही होगी। तो समझ की शुद्धि के लिए सतत प्रार्थना हो, सत्संग हो, स्वाध्याय हो, परिउपासना हो, गुरु के समीप बैठो।
जान पाने में प्रमाद मत करो, तो धीरे धीरे हमारी समझ की हर विकृति हटती जाएगी। और अगर कुछ गलती हो गई है तो जैसे डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी को कैसे एक्सप्लेन करते हो, है डॉक्टर भी पूछता है ना, रात नींद आती है नहीं आती है, वो डॉक्टर साहब बैठी है यहाँ पे, वो सारा कुछ पूछती है, पेट क्लियर होता है नहीं होता है कैसा। तो जैसे वो डॉक्टर के सामने अपनी सारी रिपोर्टिंग देते हो, ऐसे अपने गुरु के सामने सारी रिपोर्टिंग करो, ये गुरुदेव मेरे चित्त में ये आया, मन ये, वाणी ये हुई, व्यवहार ये हुआ, अपनी सारी रिपोर्टिंग करना। गुरु डॉक्टर है, वैद्य है, वो हमें बताएगा कि बेटा तेरी सोच में ये त्रुटि रही, तेरी वाणी में ये गलती रही, अपनी समझ को यहाँ सुधार, गुरु सुधारेगा। इसीलिए गुरु को वैद्य कहा गया, भव वैद्य, संसार रूपी रोग का इलाज करे वो भव वैद्य गुरु है। तो उसके समक्ष जाकर के अगर अपनी ये चित्त की अवस्था प्रकट करते रहोगे तो मिथ्यात्व और कषाय दोनों की ही विशुद्धि होती जाएगी। और मिथ्यात्व पिता, कषाय संतान, पिता और संतान दोनों हटी तो संसार हटा। जय हो।